नमस्कार, शाम के 5 बजे को हैं आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद भी क्या वहां अभी राजनीति बाकी है? क्या मंदिर का मामला सुलझ जाने के बाद वहां मस्जिद के लिए आर पार की नौबत आ जाएगी? इन सवालों को आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए अब राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। मस्जिद का नाम बाबरी ना हो, इन आवाजों के बीच यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर हो, बाबरी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। वैसे तो जिस सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए जमीन मिली है उसने साफ किया है कि मस्जिद का नाम बाबरी नहीं होगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब तक सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला स्वीकार नहीं कर पाया है। वैसे तो AIMPLB ने तुर्की के हागिया सोफिया से तुलना करने वाला अपना विवादास्पद ट्वीट हटा लिया है, लेकिन नए बयान में कहा गया है कि कोर्ट ने हमारी पुनर्विचार याचिका नहीं सुनी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आज दंगल में हम पूछ रहे हैं कि पूरा मंदिर का प्रण अब क्या होगा, बाबरी पर रण। ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर का सपना सच होने जा रहा है। मंदिर के भूमि पूजन के बाद जल्द से जल्द वहां भव्य और दिव्य मंदिर की कामना हो रही है, लेकिन अब अयोध्या में बनने वाली मस्जिद पर आर पार की लड़ाई छिड़ सकती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी ना हो, इसके लिए आवाजें उठने लगी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार या हम बाबर के नाम पर कोई भी चीज अपने हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बाबर ने जो जुल्म किए उसको लेकर वो जाना जाता है, तो इसलिए उसके नाम से कोई भी चीज अगर हमारे देश में है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे और उसके हम लोग नाम भी बदलेंगे। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन अगर आपको नाम रखना ही है तो मुझे लगता है कि हमारे देश के 130 करोड़ लोग और खास करके हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं उन्होंने हमेशा मोहम्मद साहब का सम्मान किया है, तो मस्जिद मोहम्मदी अगर उसका नाम रख दिया जाए, चूंकि हमारे मुस्लिम समाज में 73 फिरके हैं, सभी फिरके इसको स्वीकार करेंगे। बाबरी को लेकर पहले से यह रुख इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मंदिर के भूमि पूजन के वक्त AIMPLB का बयान सुर्खियों में आया था। भूमि पूजन के दिन AIMPLB की ओर से एक ट्वीट किया गया, बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद थी और रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यकों को लुभाने वाले फैसले से, जमीन हथियाने से इसकी स्थिति नहीं बदल सकती। दिल को कमजोर करने की जरूरत नहीं, परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। हालांकि इस बयान पर मचे हंगामे के बाद AIMPLB ने इस ट्वीट को हटा लिया है। नए बयान में AIMPLB ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पुनर्विचार याचिका स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रधानमंत्री मोदी और UP CM आदित्यनाथ के इस बयान की निंदा करते हैं कि वहां सदियों से मंदिर था। ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, ये जनरल सेक्रेटरी साहब के अप्रूवल के बगैर हो गया था, लिहाजा उन्होंने उसको डिलीट करवा दिया। दिक्कत यहाँ है कि जब हमारी बात सुनी नहीं गई, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल किया कि आपके फैसले में ये गलतियाँ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी गलतियाँ बता सकते हैं, उन्होंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, खारिज कर दिया बगैर सुने हुए। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट करते हैं, चूँकि लास्ट कोर्ट का जजमेंट है, लिहाजा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ नहीं गए मौके पर। वैसे AIMPLB के उलट जिस सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है उसका रवैया अब नया विवाद पैदा नहीं करने वाला। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी नहीं होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि जमीन पर अब अस्पताल या ट्रस्ट के भवन का निर्माण शुरू होगा तो योगी आदित्यनाथ को न्योता देंगे। हालांकि योगी ने आज तक से कहा था कि वो न बुलाए जाएंगे और न जाएंगे। विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और सब आए, लेकिन अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्माण शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यही योगी जी नहीं जाएंगे वहाँ। मेरा काम जो है मैं वो काम करूँगा और मैं अपने कार्य को कर्तव्य मान करके, अपना धर्म मान करके हमेशा चलता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊँगा भी नहीं। मस्जिद की नींव रखने का कोई परंपरा किसी भी इस्लाम के फ़िक़े में नहीं है, ना वो शाफ़ई, ना हनफी, ना मलिकी, ना हम्बली, जो 4 इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के स्कूल ऑफ थॉट हैं।
हाँ, पर हम उसके साथ जो पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटी दे रहे हैं वो जन सुविधाओं के लिए हैं, धन्नीपुर गांव उसके आसपास के लोगों के लिए। तो उन जन सुविधाओं के लिए जब भी हम कोई न्यू रखेंगे, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखेंगे, हम उनको बुलाएंगे। वैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड के रुख के बावजूद AIMPLB और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जैसी राय रख रहे हैं, अयोध्या का मसला फिर गर्मा सकता है। नीलांशु के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो 500 सालों के बाद मंदिर पर राम के नाम पर जो राजनीति थी वो थमी, तो अब मस्जिद के नाम पर राजनीति नए सिरे से आगे बढ़ रही है। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी स्पोक्स पर्सन VHP विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी RSS विचारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब को आप देख रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और इनके अलावा अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है, लेकिन शुरुआत मोहसिन रजा साहब आपसे ही करते हुए, चूंकि आपने सलाह दी है कि मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद का निर्माण किया जाए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहीं इस तरह की स्थिति तो नहीं है? किसने मांगी थी आपसे राय या खुद ही दे दी? जैसे आपको बताएं हम चित्रा के 2019 में जब 9 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में सरकार को निर्देश दिए कि 5 एकड़ जमीन आप सुन्नी वक्फ बोर्ड को दीजिएगा, तो सरकार ने जमीन उनको दे दी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन दे दी है। उसके बाद उसी क्रम में 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, उसके बाद अभी ट्रस्ट बनाया है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने और ट्रस्ट के तहत वहां पर मस्जिद का निर्माण होना है। उसी बीच में तमाम सी चीजें आपने देखा, आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि निकल कर आई। ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई दे रहे थे 9 नवंबर से पहले, जब फैसला आया नहीं था तब हम लोग बात कर रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि अगर आप दोनों पक्ष बाहर बैठकर बात करना चाहते हैं कर लीजिए। सबने कहा नहीं, हमें न्याय पर भरोसा है, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, हम मानेंगे। तो सब लोगों ने कहा कि हम न्यायालय का वेट करेंगे, हम वो जो फैसला आएगा स्वीकार करेंगे, और 130 करोड़ लोगों ने उस फैसले को स्वीकार किया। अब उसके बाद जब ये सारी चीजें शुरू हुई, अब मस्जिद निर्माण की जब बात आ रही है, उससे पहले आपने देखा कि जो लोगों की राजनीतिक रोटी चलती थी इससे उनके बयान आने लगे। अब हमारा मानना यह था कि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूं, आपने जो बात कही, किसने मांगा था नाम? मैंने कहा ना कि सलाह सब देते हैं, जैसे मंदिर निर्माण से पहले सलाह ली गई तमाम अपने उनके धार्मिक गुरुओं से, तमाम समाज के लोगों से, ऐसे ही मुस्लिम समाज को भी अधिकार है कि वो सलाह दे सकता है, अपनी राय रख सकता है, फैसला करने का काम ट्रस्ट का होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का होगा, लेकिन एक अच्छी राय है चूंकि हमारे देश में मुसलमानों के चित्रा एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, हमारे देश में 73 फिरके रहते हैं मुसलमानों के 73 फिरके मोहम्मद साहब की बात पर इत्तेफाक करते हैं, मोहम्मद साहब के को सब मानते हैं, उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मदी रख दिया जाएगा तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा, सब एक राय हो जाएंगे, इसलिए ये राय दी है, बाकी फैसला करना उनका काम, क्योंकि ये सारे फिरके इस नाम से कोई भी अलग नहीं होंगे, सब इस नाम पर सहमत होंगे। मुस्लिम समाज से और भी चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, अगर इस तरह की सलाह एक मंत्री की ओर से दे दी जाती है तो क्यों दर्द है आप लोगों को, क्या तकलीफ है? नहीं, किसी कोई दर्द नहीं है, लेकिन मजेदार बात है कि आपने सही बोला, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, जिसको जिसके पास जमीन है सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना डिसाइड करेगा, वो कुछ कह रहा है वो अपने तय करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चूंकि मंदिर, चूंकि सबने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, चूंकि हिंदुस्तान सब न्यायपालिका और संविधान में विश्वास रखता है, सबने मान लिया, अगर न्यायपालिका ने कहा मंदिर बनेगा, मंदिर बन रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को लग रहा है कि भाई रोटी कैसे सिकेगी, धर्म की तो राजनीति खत्म होने वाली है। तो कुछ नहीं, जनता पार्टी के मंत्री जी को नहीं लग रहा है, चुप रहिए ना भैया, मोहसिन रजा को लग रहा है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं हम उनको जवाब दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, अपनी एक उस कमेटी को जो वहां निर्माण करेगी, हमारा अधिकार है हम उनको सलाह देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां पर सौहार्द के साथ में एक मस्जिद का निर्माण हो, समाज को तोड़ने
मैंने कहा ना कि आपने जो बात कही है, हम एक मुस्लिम समाज से भी आते हैं और मुस्लिम समाज के नाते हम जरूर से रखेंगे बात अपनी। अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं कि मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझे हक है इस बारे में सलाह देने का। बताने वाले ये सिर्फ राजनीति करने चाहते हैं, समाज के अंदर में बिखर रहे, समाज के अंदर में नफरत रहे, ये नफरत की राजनीति करने चाहते हैं। ऐसे लोगों में समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो मतलब समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? अगर मस्जिद का निर्माण हो तो उसका नाम बाबरी रखा जाए। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? मस्जिद का निर्माण हो तो उसका नाम बाबरी रखा जाए। उसके ऊपर चित्राजी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, किसी पार्टी को, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं नहीं, नाम क्या रखा जाए? आपकी आपकी पार्टी की क्या सलाह है? समाज का वातावरण खराब होता है, ये कौन दे राय देने वाले? भाई जिसके पास जमीन है, जो ट्रस्ट है, वो अपने आप तय करेगा उनको क्या करना है नहीं करना है। ये समाज के अंदर विघटन क्यों फैलाना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को समाज के अंदर में क्या पता है? ट्रस्ट है, सरकार ने जमीन दी है, सरकार वोट की है और वक्त की जमीन पर सबका अधिकार होता है। वक्त की जमीन पर सारे मुसलमानों का अधिकार है, मुसलमानों का अधिकार है। उस जमीन पर हर मुसलमान राय रख सकता है, हर मुसलमान को राय रखने का अधिकार है। एक एक करके हम बोलेंगे, मुझे लग रहा है एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, बोर्ड नहीं, वो ट्रस्ट जो बना है, ट्रस्ट लेकिन मुसलमान एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा समझ में आ पाएगी बात। ठीक है, हो गया दोनों लोगों की बात। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ठीक है, और मोहम्मद साहब को हमारे देश के, उनका कहना है कि 5 एकड़ जमीन, मौसम रजा का कहना है कि 5 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी गई है और ट्रस्ट पर हर मुस्लिम का अधिकार है, तो वो राय दे सकता है। इस हैसियत से वो सलाह दे रहे हैं। ठीक है, उसमें आप राय नहीं दे पा रहे, राय जहाँ देने वहां दीजिए ना। पूरा समाज यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। बच्ची के साथ क्या हुआ वहाँ पे, जहाँ राय दीजिए, प्रशासन को राय दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया, क्यों अपराध बढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्यों जंगल राज बढ़ा है, क्यों अपराध बढ़ गया, क्यों हत्या है। ठीक है सर, इसका जवाब मैं लूंगी रहमानी साहब। मौसम रजानी जी सलाह दी है, आपको काबिले गौर लगती है ये सलाह? ठीक है, हम खत्म करते समय तक लग गया हमें सब कोरोना की वजह से छोड़े हुए हैं, लोगों की मौत हो रही है, ये समाजवादी पार्टी के दौरान छोड़े हुए हैं कोरोना से। हमने तो इनको खत्म करने का काम किया है, इनको जेल भेजने का काम किया है। अपराधियों को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल भेजने का काम किया है और दुर्दांत अपराधियों को अपराधी समाजवादी पार्टी के दौरान यहाँ पर इनका जन्मदाता तो आप है, युवक परेशान है, पैदा किया, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है पूरे देश के। आपके दौरान ये अपराधी बने हैं उत्तर प्रदेश में, इतना जो अपराध का प्रदेश था, हमने तो खत्म किया है। वहाँ पे राज्य योगी की सरकार में अपराधी भाग रहा है, ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है तू मैं से भी कम से कम बहस को आगे लेकर जाना चाहिए, तो मैमे वाली बहस से आगे निकलना चाहिए। रहमानी साहब, मोहसिन रजा ने जो सलाह दी है, आपको लगता है कि काबिले गौर है ये? उनकी बात सच है और उसकी बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को। ठीक है चित्रा जी, मैं साफ बात कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, 1 साल के करीब हो गया उसको आए हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत साफ कर दी सब लोगों के सामने, मानना चाहिए सबको कि 30 साल 1990 से 2019 तक 30 साल जो मूवमेंट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पे चला, वो इंतहाई तौर पर झूठ पे मबनी खूनी तहरीक थी, जिसका मकसद 2 मेंबरान पार्लियामेंट को के बजाय एब्सोल्यूट इख्तदार में आना था। ये क्लियर हो गया। अब वहां पर जो जमीन है वो ये तय हो गया कि बाबरी मस्जिद वहां पर शहीद, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर नहीं था जिसे शहीद करके बाबर ने या किसी मीर बाकी ने मस्जिद बनाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा, लेकिन 30 साल की तहरीक में यही कहा गया। और इस तरीके के बहुत सारे झूठी अलामतें गढ़ के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमेंटल कर दिया बुरे तरीके से, तो अब इसमें डिबेट का कोई मुद्दा रह नहीं जाता। मंदिर वहां बन रहा है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी गवर्नमेंट का अपना एक इदारा है, स्टेचुटरी बॉडी है यूपी गवर्नमेंट की, उसने जमीन ली है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने उस 5 एकड़ जमीन को सिरे से खारिज कर दिया है, लेने से इनकार कर दिया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ले रहा है। अब ये उसका काम है, वो वहां मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, अस्पताल बनाए, या जो जी चाहे उसका नाम रखे। जहां तक बाबरी मस्जिद, अब आप लोग जब सलाह दे रहे हैं सर, आपने कहा कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़कर एक विवादित ढांचा नहीं बनाया गया था, आपने ये कहा
इस्तेमाल मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ठीक है, मस्जिद कह देती हूँ मैं, मस्जिद मस्जिद शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सर ये बात तो साबित हुआ ना कि जिस जिस जगह पर निर्माण हुआ था वहां पर मंदिर था। खुदाई में जो प्रमाण मिले सुप्रीम कोर्ट ने बिना सबूतों के अपना वर्डिक्ट पिछले साल नवंबर में नहीं दिया था। सर इससे अब बाहर निकलते हैं, मस्जिद पर आ जाते हैं। मस्जिद अब सुन्नी सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जिसने मस्जिद की लड़ाई लड़ी आप उससे भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उसने कह दिया कि हम वहां पर अस्पताल भी बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे, मान लिया है। और दूसरी बात मैं कहूं कि जहां तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है वो तो वहां है जहां राम मंदिर बन रहा है। इसके अलावा कहीं भी कोई मंदिर मस्जिद बने उसका जो भी नाम हो, उसका नाम मोहसिन रजा हो, इलाही मस्जिद हो, मोहम्मदी मस्जिद हो, जो भी हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऐसा आ गया लेकिन आपका दर्द और तकलीफ कम नहीं हुई है। चुका है देश की सर्वोच्च अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया है लेकिन आपका दर्द कब नहीं हुआ है रहमानी साहब? सबूतों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वहां मस्जिद थी, उन्हीं सबूतों के आधार पर यह माना है। तो वो मस्जिद बनी थी, मंदिर को तोड़कर बनी थी। ठीक है, अब इससे बाहर निकलते हैं। एक बार में विश्व हिंदू परिषद चूंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, वीएसपी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आपने जो कहा है उस पर प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ, फिर तुरंत लौटूंगी। ऐसे इन शब्दों के आधार पर राजनीति चली तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा कंटेंप्ट पे। क्या आप कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं जब मस्जिद को आप ढांचा बोलते हैं? ये कंटेंप्ट है, ये कंटेंप्ट है जब आप बार बार जो है बाबर को आक्रांता कहते हैं, जो झूठ साबित हो चुका। अगर इस किस्म की बातें बार बार ये बीजेपी के लोग या कोई भी जो लोग जो बात करते हैं या मीडिया के लोग जो बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। सर आपने जितना पढ़ा है ना उतना हमने भी पढ़ा है, ठीक है सर, और जो हम बोल रहे हैं उस पर अपने शब्दों पर हम लोग काबिज हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चूंकि मंदिर मस्जिद की राजनीति कम हो जाएगी तो आप जैसे नेताओं की दाल गलना भी कम हो जाएगी, इस वजह से बार बार मस्जिद शब्द लाकर, एक सेकेंड सर, जब देश की सर्वोच्च अदालत फैसला दे देती है उस जगह पर वो बोलती है कि रामलला वहीं पर जन्म लिए थे और वहां पर मंदिर बनना चाहिए, बार बार आप लोग मस्जिद का हवाला देते हैं, बार बार आप लोग मस्जिद का हवाला देते हैं। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी जो बातें खड़ी की है रहमानी साहब उस पर जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि मंदिर जहां पर बन रहा है वहीं पर मस्जिद थी, अब उस जगह के अलावा कहीं भी बने उसका कोई भी नाम दिया जाए उससे हमें क्या लेना देना? कहूंगा चित्रा, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान ये कर रहे हैं, उनके वर्डिक्ट का अपमान कर रहे हैं। बाबर बर्बर था, बाबर लुटेरा था, बाबर आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, बाबर आक्रांता था। और रहमानी साहब आप कंटेंट लेकर क्या चले जाइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात वहां ढांचा था, मस्जिद बनी नहीं, और मस्जिद बनाने के लिए बाबर के बाद हुमायूं तिवारी जी की आवाज ठीक नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि सर मैं तुरंत दुरुस्त करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी साफ आवाज नहीं हो पाएगी तो आप क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यही सवाल मैं संगीत रागी जी आपसे जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद तुरंत दुरुस्त किया जाए। ठीक है विजय शंकर जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है। संगीत रागी जी, रहमानी साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहां पर अब तो मंदिर बन रहा है, और वो भी जो बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से की गई है उसी के हाँ में वही स्वर बोलते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं कि दरअसल एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह का फैसला है, मंदिर बन रही है तो अब मस्जिद कहीं भी बने उसका कोई भी नाम दिया जाए, क्या रखा है नाम में? कासिम से लेकर के औरंगजेब तक ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे विदेशी आक्रांता और उन आक्रांताओं के संतान थे। भारत की गुलामी ब्रिटिश काल से नहीं शुरू होती है, भारत की गुलामी मोहम्मद बिन कासिम के समय से होती है। इसलिए वो आक्रांताओं के विजेता के प्रतीक थे, विजय प्रतीक थे। और ऐसे 30,000 से ज्यादा मंदिरों को इस देश में तोड़ करके मुस्लिम आक्रांताओं ने विस्तृत रास्ते से मंदिरों को तोड़ा। एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं नहीं देखिए मैं यहाँ 30,000 मस्जिदों को शहीद करके एक नई तारीख लिखना चाहते हैं आप? सुन लीजिए रामानी, रामानी जी मैंने आपको गंभीरता से सुना है, आप मेरी बातों को सुन लीजिए प्लीज। चलाई गई राम मंदिर के नाम पर
खूनी तहरीक चलाई गई झूठ की बुनियाद पर और इसे एक्सपोज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सपोज किया क्या खूनी तहरीक हिंदू समाज का झूठ बोला चित्रा जी आप मुझे बोलने के लिए इजाजत दीजिए प्लीज आप उनको रोकिए मैंने कुछ नहीं साहब एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी आप कह रहे हैं झूठ के बुनियाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है रहमानी साहब फिर वो क्या है सर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला ही आखिर होता है मानना आपकी मजबूरी है देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आखिर होता है आप क्या कर लेते नहीं मानते तो आप क्या कर लेते रहमानी साहब नहीं मानते तो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आखिर होता है और आखिरी फैसला वो भी सबूतों के आधार पर लगातार सुनवाई के बाद ये फैसला आया था लेकिन संगीत एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं लौटूंगी 1992 को जो करके दिखाया वो मालूम होता है रामानी रामानी साहब आप बेहूदगी कर रहे हैं आप एक सेकंड सर थोड़ा शब्दों का ध्यान रखेंगे संगीत रागी जी जल्दी से बात पूरी करिए परिचय दे रहे हैं बीच में रामानी साहब मैंने आपको गंभीरता से सुना है आप बहुत बेहूदगी और असभ्यता का परिचय दे रहे हैं 1000 साल की तारीख को गाली दे रहे हैं गैर क्यों नहीं गाली दिया जाना चाहिए क्यों नहीं गाली दिया जाना चाहिए यदि मुस्लिम आक्रांता यदि आपके बाप दादे से है तो उनके कारण उनके बारे में क्या प्रशंसा के कसीदे पढ़ेंगे प्रशंसा के कसीदे पढ़ेंगे सिर्फ इसलिए कि आप गाली दूंगा बिल्कुल गाली दूंगा बिल्कुल गाली दूंगा इसलिए भी गाली दूंगा कि जिस धर्म से आप प्रतिनिधि करते हैं उसका रक्त उसके हाथ रक्त से सने है खून की बुनियाद इस्लाम का हाथ रक्त से सना हुआ है इस देश के 30,000 से ज्यादा मंदिरों को मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त किया है और दुर्भाग्य है कि वो सारे आक्रांताओं के औलाद आज भी वो ध्वस्त मंदिरों के समर्थन करते हैं रामानी जैसा पाकिस्तानी आदमी उन चीजों का समर्थन करता है आपने कहा कि वहाँ पर एक मंदिर को शहीद किया गया कोई मंदिर शहीद नहीं किया गया जा रहा हूँ कि एक जगह जहाँ मंदिर तस्लीम रहमानी साहब ये तमाम बातें आप कहाँ से बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तस्लीम रहमानी साहब देश के सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है और कितनी लंबी सुनवाई चली है आप कहाँ से ये सब बातें लेकर आ रहे हैं ये सारी बातें रहमानी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने ये जो हादिया सूफिया का उदाहरण दिया है उससे भी आप इत्तेफाक करते हैं तस्लीम रहमानी ये जो तुर्की के हागिया सोफिया में एक चर्च को दोबारा मस्जिद बना देने का उदाहरण ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की ओर से दिया गया था आप उसे इत्तेफाक जता रहे हैं अपना हागिया सोफिया में किसी चर्च को डेबोलिश नहीं किया गया यहाँ पर एक मस्जिद को डेबोलिश किया गया क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए वही तो उदाहरण आप लोग दे रहे हैं ठीक है मैं आ जाती हूँ विजय शंकर तिवारी जी क्लास में जाऊंगी लेकिन उसके पहले अतीक रहमान साहब ठीक है रहमानी साहब मुझे लग रहा है कि साल भर पहले वाला जो आपका राग था दोबारा से वही आप दोबारा उसी लाइन पर उसी ट्रैक पर चल रहे हैं लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी अतीक रहमान साहब ये जो नाम को लेकर विवाद चल रहा है ठीक है एक एक करके प्लीज एक एक करके अतीक रहमान साहब आपकी टिप्पणी इस्लाम का ये संस्कार है आप दोनों लोगों की आवाज साफ नहीं आ पा रही है मुझे लग रहा है कि करके बोलेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे अतीकुर रहमान साहब अपनी बात रखें चित्रा जी हमारे बुजुर्गों ने हमको ये बताया है सिखाया है कि वक्त हर जख्म को और हर दर्द को उसको इलाज कर देता है वो भर देता है यहाँ पर मेरा ये अटूट विश्वास है जब तक के बीजेपी राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का अपने इलेक्शन के लिए अपनी राजनीति के लिए फायदा उठाते रहेगी तब तक के ये जख्म नहीं भरेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा कोई बात नहीं है चीजों को हमने माना आपने देखा पूरे मुल्क में किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर ये आता है चित्रा जी के हिंदू पार्टीज का केस इतना वीक था कि सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल प्रोविजन का सहारा लेना पड़ा राम मंदिर को ओके करने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है अब आ जाइए बाबर के नाम के ऊपर तो मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी भी बाबर के नाम से
एकेडमिक और हिस्टोरिकल रेलेवेंस के अलावा दूसरा कोई नाता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब अगर बीजेपी और मोहसिन रजा साहब इन चीजों को उठा रहे हैं, इससे आपने जिस तरह से पहले सवाल उनसे किया कि बेशक ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये गलत बात मत बोलिए, यदि गलत बात मत बोलिए, बाबरी मस्जिद या औरंगजेब के नाम पर इस देश में कहीं भी प्रतीक विजय स्तंभ होंगे तो वे सब के सब तोड़े जाने चाहिए। वे सारे आक्रांता थे, वे सारे विदेशी दुश्मन थे हमारे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब और उसके बाद तक। यदि भारत का मुसलमान यदि उनको अपना पुरखा मानता है, वरना सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखते, अगर आप ही के बाद बातों में पाकिस्तान की मांग रखी है, तो हिंदुस्तान कभी भी गुलाम नहीं बनता। पाकिस्तान की मांग रखी थी, आपके बाद बातों में मांगी थी, और ये इस्लाम का चरित्र है। मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान को हमेशा गुलामी की तरफ कुरान में निशान लगे, दूसरे के घर में स्कूलों को तोड़ने की परंपरा है, वो कुरान से निकलती है, कहीं और से नहीं निकलती है। आतंकवाद का जन्म कुरान से होता है, कहीं और से नहीं होता है। ये मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम कोई अलग अलग नहीं है। ये गलत नहीं है, चाहिए इस्लाम आतंकवाद की व्याख्या ही आतंकवाद का स्रोत है, इस्लाम की व्याख्या ही आतंकवाद की जननी है। आज इस्लाम का जो अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, आपको पता है कि जब जब इतिहास का आप हवाला दे रहे हैं, ठीक है, और आपने कहा कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, तो मुसलमान बाबर को जानता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अपने आप को एसोसिएट नहीं करता है। आपको पता है कि जब जब अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, 1885 की बात करें, 1935 की बात करें, उस समय 1885 में तो आरएसएस था नहीं, 1935 में तो विश्व हिंदू परिषद था नहीं, ये जो बार बार, और बीजेपी तो 1980 में बनी है, उसके बाद मंदिर आंदोलन तूल पकड़ा, लेकिन उसके पहले भी खून बह चुके हैं। और कल्याण सिंह ने जब इस्तीफा दिया था 1992 के बाद, उन्होंने कहा था कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत फैसला दे देती है, उसके बावजूद आप लोग अपना दर्द जाहिर करते हैं। आप लोग सीधे बोलिए कि मंदिर जहां बनना था, सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहा, देखिए देश की वो सर्वोच्च अदालत है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी दूसरे धर्म का हो, हर किसी को उसको उसका आदर करना ही होगा। इतना आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रोटेस्ट किया, क्या हमारा ये एक इंडिविजुअल राइट नहीं बनता है? सर, इस तरह की बातें जब होती हैं कि जो हागिया सोफिया में हुआ, चर्च को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया, उस तरह के ट्वीट किए जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, और बाद में बवाल बढ़ता है तो फिर उसको हटाया जाता है। इस तरह की धमकी दी जा रही है, वो भी जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, उसके बाद हिस्टोरिकल एविडेंस जी ये साबित करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वर्ण सिस्टम था, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही आगे बढ़ते थे हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। अब देखिए आप जातिवाद पर आ गए, अब आप ब्राह्मण और ठाकुरों पर आ गए कि हिंदुस्तान में रक्षा करने वाले हिंदू मुसलमान, अब आप हिंदुओं के भीतर आप जातिवाद पर आ गए। सर, मैं आपसे हुकूमत की, अब आप ये संगीत रागी जी से पूछिए कि ब्राह्मण समाज क्यों सो रहा था, क्यों आक्रांताओं को आने दिया हिंदुस्तान पे, उन्होंने क्यों उनको रोका नहीं, प्रोफेट मोहम्मद ने सबसे जाकर के मदीना से जब मक्का गए तो वहाँ 300 मंदिरों को तोड़ा, यमन में जाकर के मोहम्मद के सैनिकों ने मंदिरों को तोड़ा, मिस्र के अंदर जाकर के मोहम्मद के सैनिकों ने मंदिरों को किसी मस्जिद जो बातें अतीकुर रहमान साहब ने खड़ी की, और किसी सैनिकों को नहीं गिराया। प्रॉफेट मोहम्मद ने इस्लाम का अस्तित्व एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि उस वक्त मक्का के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, अरब के अंदर मदीना में जाकर के लिए वो आपस में लड़ा कर तोड़ा था, यमन में तोड़ा था, अतीकुर रहमान साहब ने तोड़ा था, सुदान में तोड़ा था, कोर्ट के भीतर था, तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी सुनवाई के बाद अपना फैसला दे दिया, उसके बावजूद भी आप लोगों की जुबान इतनी कड़वी है।
अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हुए बाबरी एक सेकंड से बाबरी मस्जिद मस्जिद का नाम हो या ना हो उसको लेकर सवाल था, आप लोग क्या चाहते हैं? किसने मारा बुद्धों को, किसने गिराए उनके मंदिर? पूछो इस्लाम से, पूछो कि इस्लाम जहाँ जहाँ गया कभी विचार के स्तर पर नहीं गया, इस्लाम तलवार के आधार पर गया, बुद्धिज्म जो है हिंदुइज्म जो है वो विचार के स्तर पर हुआ है, इसलिए अंतर दोनों में करना। पूछो आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आजादी का 5 एकड़ जमीन पर ही सर, 5 एकड़ जमीन पर रहते हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है, और आ गया सोफिया में चर्च को कन्वर्ट किया गया मस्जिद में, उस पर हम नहीं जाते, एक बार फिर से हम आ जाते हैं अयोध्या में ही। आप जल्दी से विजय शंकर तिवारी जी, आप लोगों को भी तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना, वो अपनी मस्जिद का नाम बाबरी रखे, कुछ और रखे, कुछ और रखे, क्या लेना देना आप लोगों को? आप लोग तो अपनी राम मंदिर बनवा रहे हैं ना, फिर क्यों तकलीफ है आप लोगों को? चित्रा बिल्कुल नहीं, हमने आपसे नहीं बहुत पहले से कहा है बाबर की नाम से मस्जिद, अयोध्या के अंदर कोई मस्जिद नहीं बनेगी, अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के बाहर कोई मस्जिद बन सकती, देश भर में कहीं भी बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बनने देंगे, बननी चाहिए नहीं। धमकी दे रहे हैं आप, विजय शंकर तिवारी जी धमकी दे रहे हैं आप। और दूसरी अतिकुर रहमान, आज भी बाबर की आत्मा तुम्हारे अंदर बसती है, आप बताइए, अगर आप कहते हिंदू हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो आप उनके किए गए इस देश में अत्याचार आप एक बार मान लेते, और मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं यही। विजय शंकर तिवारी जी, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? फिर वही बात, आपको राम मंदिर के लिए वही जन्मभूमि की जगह चाहिए थी, वो आपको मिल गई, इसके अलावा वो किसी भी नाम पर बनाए आपको क्या तकलीफ है? आपको बाबरी नाम से क्यों इतनी तकलीफ है? नहीं चित्रा, चाहे बाबर हो चाहे औरंगजेब हो, वो संतति सारी की सारी जिसने यहाँ के लोगों को बिल्कुल हत्या की है, बलात्कार की है, धर्मांतरण किया है और मुस्लिम गिरा है, उनके नाम को स्वीकार नहीं करेंगे। 10 लाख लोगों का कत्लेआम किया, अशोक में प्यार किया था जिसे आप ग्रेट कहते हैं, प्यार किया था 10 लाख लोगों को कत्ल करके, क्या किया था, क्या किया था बताइए? सबसे बड़ा नरसंहार इस देश की तारीख में, पूरे इतिहास में अगर कोई हुआ तो नंबर एक अशोक ने किया, आप उसको कहते हैं कि वो ग्रेट है, और उसके नाम पर आप अशोक की लाट बना के यहाँ पर उसको आप नेशनल एम्बलम बना देंगे, जिस आदमी ने सबसे बड़ा कत्लेआम किया इस मुल्क में, रहमानी साहब, दुनिया में इस्लाम एक अकेला धर्म है जो अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए दूसरों धर्मों की बलि करता हो। मंदिर मस्जिद की राजनीति सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर के लिए भूमि पूजन हो गया, मस्जिद के लिए क्या तय करना है इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इतिहास के पन्नों को कुरेद कुरेद कर आपस में ये जो लड़ने की प्रवृत्ति है और इस पर अपनी राजनीति चमकाने की, ये इस देश से कब जाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मोहसिन रजा साहब, आपके पास आते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक से बातचीत में कहा था कि एक तो ना उन्हें बुलावा दिया जाएगा और ना ही वो जाएंगे, अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कह दिया गया है कि हम मुख्यमंत्री को बुलावा भेजेंगे, तो इस पर फिर क्या है स्टैंड उनका? देखिए, जहां तक बात आपने जिस सवाल की उसका उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन अभी पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड तय करे, जैसे आपने बात कही, अभी तमाम हमारे जैसे और मुसलमान अपनी राय देंगे और उनको राय लेना पड़ेगी, फैसला सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट करेगा, लेकिन तमाम मुसलमानों की राय लेना होगी। जिस तरह से तो आपने देखा प्रभु श्री राम मंदिर में तमाम हमारे हिंदू समाज के बड़े बड़े लोगों से राय ली गई, राय लेने के बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने राय ली है, तो राय देने का अधिकार है, उसके बाद तय होगा कि वहां क्या बनेगा। अच्छी कोई चीज बनती है तो उसके लिए जितना कोई भी जाने को तैयार होगा, लेकिन आप ये ना भूलें कि वो एक धार्मिक पीस भी है, एक धर्म गुरु भी है, और आपने जिस तरह की बातें तमाम निकाली हैं उनको लेकर, तमाम बातें लोगों ने की हैं, और जिस तरह से ये लोग बैठे बातें कर रहे हैं, जब ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही उसमें आते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर यहां बैठकर एक नेशनल चैनल पर बाकायदा तरीके से देश के खिलाफ बोल रहा हो, जिस तरह से बातें ये लोग कर रहे हैं या और नेताओं ने की हैं, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं,
और ये बुरा मानते हैं इस बात को, जब आप राष्ट्र के संविधान के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, जब पहले कहा गया था फैसला मानने के लिए कि आप लोग बैठ कर बात कर लीजिए, तब आपने कहा हम फैसला मानेंगे न्यायालय का, और जब न्यायालय ने फैसला दिया तो आज आप टिप्पणी कर रहे हैं। आपने कहा कि कुछ अच्छी चीज बनेगी तो देखा जाएगा, क्या अच्छी चीज बने कि मुख्यमंत्री जाएंगे वहां पर? नहीं, अब ये तो देखना होगा ना, अभी तो जिस तरह के हालात आप देख रही हैं ना, ये तो ये तय करें ना। हमने तो एक फैसला माननी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अरे हम भी चले जाएंगे अगर, चलिए वो बुलाते हैं, हमें बुला लें, हमारे और बड़े नेताओं को बुलाएं, हम तो सौहार्द के लिए बैठे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, हम संस्कार के लिए कुछ भी अच्छे काम करने वालों के साथ खड़े होंगे, लेकिन इस तरह की सोच रखने वालों के साथ कोई नहीं खड़ा होगा जिस तरह की बातें हो रही हैं इस वक्त। भूमि पूजन नहीं होता है मस्जिद के लिए, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में अगर बुलाया जाता है तो क्या बिल्कुल उसी तरह के इंतजाम रहेंगे जैसा भूमि पूजन में होगा? सरकार क्या इसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी? बुलाया नहीं जा सकता मस्जिद के लिए, आप सुन लीजिए चित्रा, मस्जिद के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बुलाया ही नहीं जा सकता। क्यों मान के बैठे हैं आप लोग? किसी इमाम को बुलाएंगे वो, आप क्यों मान के बैठे हैं कि मस्जिद अगर बनेगी तो नहीं बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री? कोई हॉस्पिटल है उसके लिए हम लोग विचार करेंगे, हम भी जाएंगे उनसे कहने के लिए। वजह क्या है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्या वजह है, क्यों आपको लगता है कि मस्जिद अगर वहां पर बनेगी तो नहीं बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री को? नहीं बुलाया जाएगा मोहसिन रजा को, बुलाया जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? अभी हमें पता है ना उनको कौन से आयोजन में बुलाया गया है अभी तक, आप बताइए ना। और इस तरह की उम्मीद मत रखिए कि सर्कुलरिज्म के नाम पर और टोपी पहन के खजूर खाने के लिए जाएंगे, वो जाति मसला होता है, इबादत अपनी जगह पर है और सार्वजनिक काम अपनी जगह पर है। अनुराग भदौरिया जो काम आपकी सरकार करती रही, उठाएं कि प्रभु श्री राम मंदिर की बात, टोपी पहनकर खजूर खाने वाला वो काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे और तमाम लोग भी जाएंगे। देखिए चित्रा जी, समाजवादी पार्टी हर जात हर धर्म हर वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हिंदुस्तान की सारी जनता ने मान लिया। अब दिक्कत पता है क्यों आपको डिबेट करनी पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि माहौल गर्म रहे, क्योंकि मंदिर इतनी आसानी से बना जा रहा है, हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि विकास की बात तो करते नहीं है, डेवलपमेंट की बात करते नहीं है, एजेंडा उनके पास है नहीं। अरे भैया, आप तो किसी से बात नहीं कर सकते हो, आपने तो इसी पूरे झगड़े में इससे पता चलता है आपके अंदर क्या चल रहा है। कराकर पार्टी खड़ी कर ली, कोरोना से संक्रमित समाजवादी पार्टी ने इसी मुद्दे पर तमाम का सेवकों की हत्या करके समाजवादी पार्टी बना ली। आपने तो इसकी बुनियाद, आपकी जो बुनियाद, आपकी पार्टी की बुनियाद तो कार सेवकों की हत्या पर है। आपने तो इंसानी खून बहाकर अपनी पार्टी बनाई है। आपको तो कोई अधिकार नहीं है इस मामले पर बोलने का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, लेकिन आपके लिए जनता ने जो निर्णय सुनाया है आप बाहर बैठिए, इनको भेज दिया गया है। पार्टी उसकी बुनियाद इंसानी खून पर है। आपने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई है और उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी है। जो और लोग बैठे हैं, अगर आप इतिहास को ही देखेंगे तो बहुत सारे पन्ने खुलेंगे जो आपके इशारा करेंगे, वो 1990 आपको याद दिला रहे हैं। मोहसिन रजा साहब आपको 1990 याद दिला रहे हैं, कार सेवकों पर जब गोलियां बरसाई गई थी और आपकी सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। मोहसिन रजा साहब है, इनके बस का कुछ नहीं है, ये खाली आए बाय साहब बोलने के लिए आज आपके टीवी डिबेट में आए हैं। इनसे सही सवाल पूछ रहे हैं कि 21 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं, उनके बारे में क्या उपाय है, चूंकि ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है, उसके सच्चाई क्या? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अभी 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 जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं आप उससे कहां चीन चले जा रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, अभी चीन पर नहीं बात हो रही है, आप बार बार चीन क्यों जा रहे हैं? लोगों का खून बह गया आपकी सरकार में, तब आपने समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो आपकी पार्टी तो खून पर रखी हुई है, आपकी पार्टी की बुनियाद तो हत्या पर है, क्या बात करेंगे आप? तो तुर्की की बात कर रहे हो, अफगानिस्तान की बात कर रहे हो,
क्या बात करेंगे? की बात कब होगी? आप हिंदुस्तान की जनता की बात कब होगी? लोगों को लेकर चलिए, के जो जनता है, ये जो चंद लोग हैं जो आपसे जिनकी रोटी रोजी चलती है, जो चंद लोग हैं जो आपसे लाभ पाए हुए लोग हैं, इनको आपके साथ बिठा लिए। बाकी एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, चूंकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि अगर मस्जिद बनेगी तो उसमें उनके बड़े नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, और उन लोगों ने साफ भी कर दिया है कि वो नहीं जाने वाले, लेकिन आपके नेता को अगर आमंत्रित किया जाता है, अगर आपके नेता को आमंत्रित किया जाता है तो क्या जाएंगे अखिलेश यादव? जिन्हें हम समाजवादी लोग हर जात हर धर्म हर वर्ग का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह देश के अंदर में नफरत की राजनीति, क्या जाएंगे अखिलेश यादव? रोटियां नहीं सीखते जब मुख्य कार्यक्रम किया जाएगा 5 एकड़ जमीन पर, भूमि पूजन में क्यों नहीं गए अंगड़ा हो जाए पिछड़ा जाते हो, भूमि पूजन में क्यों नहीं गए इनकी तरह थोड़ी है, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएंगे, भूमि पूजन में क्यों नहीं गए सब जानते हैं, राष्ट्रपति किसी ने मना किया था, क्यों नहीं इनको राष्ट्रपति से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, क्या इनके नेताओं ने भूमि पूजन में पार्ट क्यों नहीं लिया? हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्कुलर है, हम लोग हर जाते हैं पड़ेगा कि आपके नेता भूमि पूजन में क्यों नहीं गए, पार्टी की तरह आपके नेता भूमि पूजन में क्यों अयोध्या नहीं गए, विकास की बात करते हैं, आप खुद क्यों नहीं गए, इसलिए हम जनता की चोट पे बोलते हैं, आपको भी जाना चाहिए था, आपको आप कहते हैं कि हम जाएंगे, आप इच्छा जाहिर करते हैं, आपके नेता ने इच्छा जाहिर की, आपने जाहिर की, क्योंकि आपके एजेंडे में वो चीज नहीं है, आपके एजेंडे में नफरत है, बांटों की राजनीति है, आप क्यों नहीं गए अयोध्या? अयोध्या में मस्जिद बनेगी हम बुलाए जाएंगे तो हम जाएंगे, जमीन में ले जाना चाहते हैं, आप बताइए आप क्यों नहीं गए, बच्चों को भी बच्चों के आप लोग क्यों नहीं गए, उनको अच्छी शिक्षा देने से नेता क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव जी नहीं गए क्यों नहीं गए, आप खुद क्यों नहीं गए, और तमाम नेता क्यों नहीं गए, आप दिक्कत किस बात की है, आप तो प्रभु श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में क्यों नहीं गए, आप जवाब दीजिए, आप देश की जनता को जवाब दीजिए, आपके नेता क्यों नहीं गए भूमि पूजन में, क्योंकि कोरोना से लोग परेशान हैं, उसकी बात आपको करनी नहीं है, वेंटिलेटर आप नहीं खरीद पाए, आप जवाब दीजिए, और हम आपसे कह रहे हैं वहाँ मस्जिद अगर बनेगी तो हम जाएंगे, अगर हमें बुलाया जाएगा हमें बुलाया जाएगा हम जाएंगे जरूर जाएंगे, क्यों नहीं गए आप श्री राम के भूमि पूजन में, और आपने क्यों नहीं उसके समर्थन में बात की? मुझे लगता है कि अब थोड़ा आगे भी बढ़ जाना चाहिए, एक ही जगह पर सुई अब दोनों ही लोगों की अटकी हुई है, अब एक सेकंड सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हो गए आप दोनों लोगों की तुतु मैं हो गए, दोनों लोग मोहसिन रजा साहब के आपने बुलाया था भूमि पूजन में समाजवादी पार्टी के नेताओं को, मोहसिन रजा साहब के आपने बुलाया था, आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं गए, क्या बुलाया था आपने अखिलेश यादव को बता दीजिए आप? अरे इन्होंने कभी नहीं बुलाया, ये ना हमें बुलाते हैं ना राष्ट्रपति तो जी को बुलाते हैं, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गए वो वहां पर, राम मंदिर को ऐसा बना रखा, अगर उन्हें इच्छा थी जाने की, कानून का राज चलता है, अगर उन्हें इच्छा थी जाने की तो ट्वीट कर देते कि हम जाना चाहते हैं, नहीं अनुराग भदौरिया अब तो भूमि पूजन हो गया, ये बताइए अगर बाबरी ट्वीट करते हैं, एक सेकंड सर, अगर मान लीजिए मस्जिद को लेकर या 5 एकड़ जमीन को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा क्या जाएंगे उसमें आपके नेता? जब हमने और लोगों को दे दिया, अनुराग भदौरिया आपको भी दे देते, हो गए आप लोगों की बात, संगीत रागे साहब दोनों लोग बोलेंगे, आवाज साफ नहीं आ पाएगी, और ठीक है आप दोनों लोगों की बात हो गई, जो मेन सवाल है उसका जवाब ना आप देने को तैयार है, ठीक है सर, ठीक है, मैं एक लाइन में पूछ, मोहसिन साहब हो गए आपकी बात, मोहसिन साहब हो गए आपकी बात, देश के राष्ट्रपति पता नहीं वो बोला, वो क्या है भी देते दे, पता नहीं आप लोग बुलाते या नहीं बुलाते, ये भी सवाल है, और अनुराग भदौरिया इस बात में क्यों एक एक करके अनुराग भदौरिया आप क्यों बच रहे हैं ये कहते हुए कि 5 एकड़ जमीन पर अगर कोई कार्यक्रम होगा आमंत्रित किया जाएगा हमारे नेता को तो जाएंगे, दलितों का चुहा खाना नहीं खा सकते, उनको घोड़े पे नहीं बैठ सकते, उनको घोड़े पे नहीं बैठने देते, ये लोग उनकी मूछें नोचने की बात करते हैं, ये दलितों का सम्मान करेंगे, ये जाति धर्म के नाम पे देश को बांटते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, कभी अगड़ा पिछड़ा करते हैं, संगीत रागी जाति धर्म के अलावा, ठीक है हो गए, एक ही जगह पर सुई बहुत देर से अटकी हुई है, इन दोनों लोगों की आवाज डाउन कीजिए, संगीत रागी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, संगीत रागी चित्रा जी
जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चला करके, निहत्थ कार सेवकों पर गोली चला करके सरजू की धारा को लाल रक्त से रंग दिया था, उस पार्टी को किस मुंह से कोई व्यक्ति राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कैसे उस जगह पर बुलाता? उनको यदि बुलाता तो वो धरती अशुद्ध हो जाती, अयोध्या की धरती। इसलिए यदि समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया, दूसरी बात कहेंगे आप? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जहाँ मंदिर है जो हमेशा के लिए मंदिर है, जो 30,000 मस्जिदों को जिन मंदिरों पर खड़ा किया गया है, जो सारे टूटने चाहिए, क्योंकि वो किसी अल्लाह का घर नहीं है, वो आक्रांताओं के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ है, वो हिंदू चुनौती देने की चीज है, वो हिंदू अस्मिता को चुनौती देने वाला चुनाने वाला दोनों ठीक है। अनुराग भदौरिया और पारिजात का पेड़ वहां पे लगवाए जो आज मोदी जी ने लगाए थे जाके, समाजवादी पहले वहां पारिजात के पेड़ लगा चुकी है और वहां पे आप देखा होगा शौचालय की 1 करोड़ रुपए खर्च करके शौचालय की व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने करवाई थी और वहां पे चेंजिंग व्यवस्था जो घाट पे चेंजिंग के रूम है वो भी समाजवादियों ने बनवाए थे। वहां पे अगर आप जाओगे तो बाईपास, अगर समाजवादियों ने बनवाया 1 करोड़ रुपए खर्च करके हमने वहां पे समाजवादी जीती है और जो व्यक्ति अयोध्या से जीता था उसको हमने मंत्री भी बनाया था, आपने अयोध्या के जीते हुए MLA को मंत्री तक नहीं बनाया है। आप क्या मुझसे बात करेंगे? अयोध्या से समाजवादी पार्टी का जो पांडे जीता था उसको समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया था, आपने अयोध्या से जीते हुए किसी व्यक्ति को मंत्री तक नहीं बनाया। आप मुझसे बात करोगे? आप समाजवादी लोगों से बात नहीं कर पाओगे? समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, आप नाटक नहीं करते? अरे एक एक करके अपनी बात रखे, दोनों लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज हो गए समझ में आ गया? अनुराग आपकी सरकार ने पारिजात का पौधा पहले लगा दिया था, बाद में फिर इनकी सरकार ने लगाया। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, संगीत रागी ने लेकिन कुछ सवाल खड़े किए। 15-16 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, युवा बेरोजगार है, 15-15 करोड़ युवा बेरोजगार है, जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। रहमानी साहब, चित्रा जी, जी जी, बहुत गंभीर है। संगीत रागी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, कहा है कि जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए थे उनको आमंत्रित क्यों किया जाता, दूषित हो जाता कार्यक्रम। लेकिन यहाँ पर अनुराग भदौरिया ने भी ये नहीं कहा कि 5 एकड़ जमीन पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा उस पर वहाँ पर उनके मुखिया जाएंगे अखिलेश यादव, उन्होंने ये भी नहीं कहा। संविधान का सम्मान करते हम लोग और कानून व्यवस्था का भी पालन करना हमें लोग पाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। अरे रहमानी साहब को बोलने दीजिए, भदौरिया जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं। यहाँ पे बताया गया था, दूसरे एक ये जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर के मामले में झूठ बोल के एक पूरा तहरीक खड़ी करी, उसी तरीके से अब ये 30,000 मंदिरों की बात और कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि राम राज्य के नाम पर और भगवान रामचंद्र जी के नाम पर ये अपनी ताकत का मुजाहरा करके सत्ता का खेल जो खेल रहे हैं 1990 से लेके वो अभी तक जारी है और ये छोड़ना नहीं चाहते। इस्लाम के नाम पर तो देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया, उसके कई महीनों के बाद वहां पर भूमि पूजन हुआ। रहमानी साहब आप लोगों की ये घड़ी आगे कब बढ़ेगी? रहमानी साहब आप लोगों की घड़ी आगे कब बढ़ेगी? 5 एकड़ जमीन को लेकर बातचीत हो रही थी, आप भूमि पूजन और उसी के इर्द गिर्द सत्ता के भुखारी आगे बढ़िए। भूमि पूजन हो चुका है और वहां पर मंदिर निर्माण का काम भी हो चुका है। 5 एकड़ जमीन को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, उस पर क्या होना चाहिए? मस्जिद अगर बने तो मस्जिद का नाम क्या होना चाहिए? एक सुर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो 5 एकड़ जमीन को लेकर एकमत क्यों नहीं है? लेना देना ही नहीं है, वो तो सेंट्रल, वो तो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की संस्था है, यूपी गवर्नमेंट ने जमीन ली है, यूपी गवर्नमेंट जो फैसला करे वो करे, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तमाम मेन स्ट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने लिख के दे दिया।
5 एकड़ जमीन जो मुस्लिम समुदाय को दी गई थी, क्या उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद भी बनाई जाएगी, उसका नाम क्या होगा, वहां पर हॉस्पिटल और स्कूल भी बनेंगे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की ओर से चूंकि सलाह दे दी गई कि नाम बाबरी नहीं रखा जाए मस्जिद का, उसी को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे। अब देखिए इस पूरे मामले पर सियासत आगे कैसे गरमाती रहती है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।